कराची में सियासी संडे को रैलियों का तड़का, तीन सियासी जमातों का होगा पावर शो। पीपल्स पार्टी का नो नवाज नो रैलियों के साथ दबादम मस्त कलंदर। छह अजला में जाले रैलियां निकाल रहे हैं, इजहार तशक्कुर और वजीर आजम से इजहार यकजहती के लिए नून लीग भी सरगर्म। एमकेएम पाकिस्तान के लिए अकताबाद से मजार कायद तक रैली। जजेस के रिमार्क्स के बाद वजीर आजम को इस्तीफा दे देना चाहिए। इमरान खान कहते हैं वजीर आजम के मातहत इदारे उसका एहतसाब कैसे करेंगे। नवाज शरीफ और जरदारी दोनों करप्ट हैं। शेख रशीद कहते हैं पनामा लीक्स केस अभी खत्म नहीं हुआ, करप्ट हुकूमत के खिलाफ जदोजहद जारी रहेगी। दादू में मीडिया से गुफ्तगु। गर्मी के बाद बारिश और आंधी ने कई घरों में सफे मातम बिछा दी। फिरोज वाला तेज हवा के बायस बिजली के तार गिरने से चार अफराद जान बहक। मुजफ्फरगढ़ में आसमानी बिजली ने पांच अफराद की जान ले ली। कामोकी में मकान की छत गिरने से खवातीन और बच्चों समेत चार अफराद अबदी नींद सो गए। सिंध में रेंजर्स को खसूसी इख्तियारात मिलने के बाद सिक्योरिटी इदारे इन एक्शन। कराची में अजीजाबाद लाल किला ग्राउंड के करीब कानून नाफिज करने वाले इदारों का एक्शन। खुदाई के दौरान बड़ी तादाद में असलहा बराबर। आर्मी टीम के स्टार बैट्समैन यूनस खान के रिटायरमेंट वापस लेने से मुतालिक खबरों की तरतीब। कहते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ हर इनिंग्स बेस सेंचुरी बना लूं तो भी रिटायरमेंट वापस नहीं लूंगा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज कैरियर की आखिरी सीरीज होगी। रिटायरमेंट का फैसला सोच समझ कर किया। अफगानिस्तान ने भारत की मदद से दरिया चित्राल पर 12 से ज्यादा पन बिजली मंसूबों का आगाज कर दिया। पाकिस्तान के उमूर खारिजा के महकमों को खबर ही नहीं, दरियाए काबुल का असल नाम दरियाए चित्राल है। रोजनामा नाइटो न्यूज में इंकशाफ पर मबनी खसूसी रिपोर्ट शामिल। कराची में सियासी जमातों को भी रोजनामा नाइटो न्यूज का शिद्दत से इंतजार। जमात इस्लामी के मरकज इदारे नूर हक में तकरीब के काटा गया। हाफिज नईम कहते हैं नाइटो न्यूज ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद प्रिंट मीडिया में भी कामयाबियां समेटेगा। बलोचिस्तान के इलाके कोहलू में कांगो के नए केस की तस्दीक। कांगो वायरस से मुतासर के होने के शिविर में मरीज को तीन रोज पहले अस्पताल आया गया। रवा माह बलोचिस्तान से कांगो वायरस का ये दूसरा केस रिपोर्ट हुआ है। किंगस्टन टेस्ट का दूसरा रोज बारिश के नाम रहा। दूसरे रोज खेल के अख्तितम पर कैरेबियंस ने 9 विकेटों के नुकसान पर 278 रन जोड़ लिए। मोहम्मद आमिर ने 5 खिलाड़ियों का शिकार किया। यासिर शाह ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शाइन डॉविच ने शानदार मिस सेंचुरी स्कोर की। कप्तान जेसन होल्डर 55 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। एफए कप फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले सेमीफाइनल में चेल्सी ने टोटेनहम को शिकस्त दे दी। चेल्सी ने 2 के मुकाबले में 4 गोल से मैदान मारा। बाते टीम ने इवेंट के फैसला कुन मार्के का टिकट कटवाया। फ्रांसीसी सदारत इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी। इंतखाबात के मौके पर मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज, सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। और अक़वामे मुत्तहिदा की सफीर और हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली का चौथी शादी का फैसला। अदाकारा की 6 माह से बरतानवी बिजनेसमैन से मुलाकातों का सिलसिला जारी। एंजेलिना जोली और अदाकार ब्रैड पिट का स्टार जोड़ा कुछ अरसा पहले ही अलहदा हुआ था।